फरवरी का महीना अब अपने आखिरी सप्ताह की तरफ चल पड़ा है। सर्दी से निकलकर मौसम का मिजाज भी अब शरद की तरफ जा रहा है। ऐसे मौसम में अक्सर जंगल में आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं। छोटी छोटी चिंगारियां कहीं ज्वाला बनकर विकराल रूप न ले लें और जंगलों को खाक न कर डालें। इसके लिए वन विभाग और राजा जी टाइगर रिजर्व की टीम अभी से कंट्रोल बर्निंग की एक्सरसाइज में जुट गई है। हर साल की तरह 15 फरवरी के बाद से जंगलों को आग से बचाने की मुहिम शुरू हो जाती है। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ जाता है क्योंकि फरवरी खत्म होते होते जंगल के आग में घिरने की संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। ये तस्वीरें जंगल को आग की जद से बचाने के लिए किए जा रहे उसी पूर्वाभ्यास की हैं। हरिद्वार ऋषिकेश रेंज के चीला में मौजूद राजा जी नेशनल पार्क में फायर सीजन से पहले वन विभाग की तरफ से कंट्रोल बर्निंग एक्सरसाइज की जा रही है। इसके तहत जंगल के सूखे पत्तों और टहनियों को पहले से इकट्ठा कर उनमें आग लगा दी जाती है। सूखे पत्तों और टहनियों को पहले से आग के हवाले इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि प्रचंड गर्मियों में जब जंगलों में भी तापमान बढ़ता है तो ऐसे में सूखे पत्ते और टहनियां ही आग को भड़काने की सबसे बड़ी वजह बनती है। इसलिए आग की उस संभावनाओं को पहले ही खत्म करने की कोशिश की जाती है। जंगल में उठी आग और हर तरफ फैले धुएं की ये तस्वीरें कंट्रोल बर्निंग एक्सरसाइज के दौरान की हैं। राजा जी टाइगर रिजर्व में चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती देवदार के पेड़ों की संख्या अधिक है। ऐसे में चौड़े पत्तों को फायर सीजन में एक जगह लाकर उन्हें जला दिया जाए तो आग के आक्रमण से जंगल को काफी हद तक बचाया जा सकता है। वनाग्नि काल में जितना कम फ्यूल होगा उतनी कम आगे आग लगेगी, तो जो संवेदनशील एरिया जो हमारी फायरलाइंस पट्टी है उनको भी हमने सफाई कर और नियंत्रण को बंद करके अपने कंट्रोल में कर लिया और अपने स्टाफ को भी सेंसिटाइज कर दिया है। इसके अतिरिक्त अभी फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में वनाग्नि सप्ताह में 20 करीब गोष्ठियाँ हमने की थी और जो हमारे क्षेत्रीय स्टाफ हैं उनको निर्देश दिए हैं कि अभी मार्च माह में और अप्रैल माह में आगामी मार्च अप्रैल में जितने भी हमारे आबादी क्षेत्र लगे हैं सीमा से उन पे गोष्ठी करके लोगों का सहयोग लिया जाए। जंगल में फैलने वाली आग की संभावनाओं को कम करने के लिए वन विभाग हर साल फायर सीजन की शुरुआत होते ही कंट्रोल बर्निंग सप्ताह मनाता है, जिसके तहत जंगल में आग पर काबू पाने के लिए की जाने वाली प्रैक्टिस के साथ साथ जंगल से सटे ग्रामीणों को भी जागरूक किया जाता है। फरवरी के महीने में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों के साथ साथ जंगल के हर उस इलाके में जहां आग की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, वन विभाग विशेष टीम बनाकर बर्निंग कंट्रोल प्रैक्टिस में लग चुका है। इसके तहत गश्त करने वाली टीम भी तैयार की गई है जो हर वक्त जंगल की हरकतों पर निगरानी रखेंगी। निगरानी टीम में फायर वॉचर, बंदरोगा और वन रक्षक को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साल 2021 में राजा जी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं से सबक लेते हुए वन प्रशासन विशेष अभियान चलाते हुए कमर कस चुका है। आग की लपटों से जंगल झुलसने से बचाने के लिए हर मुमकिन तरकीब अपनाई जा रही है। जंगल में शरारती तत्वों की तरफ से की जाने वाली आगजनी के खिलाफ सख्त नियम भी बनाए गए हैं। इसके तहत आगजनी के जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।